गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन जी की क्लास। आज स्टार्ट करेंगे हम लेसन 11, ग्रीन ट्रीज। राइट द करेक्ट लेटर इन द बॉक्सेस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रीज। हमें यहाँ कुछ डिस्क्रिप्शन दी गई है। डिस्क्रिप्शन के आगे हमें ए बी सी डी नंबरिंग दी गई है और हमें कुछ ट्रीज दिए गए हैं जिन्हें मार्क किया गया है 1, 2, 3, 4 से। और हमारे पास ये 8 ट्रीज हैं और यहाँ इनके बारे में ही डिस्क्रिप्शन है। हमें ट्री को डिस्क्रिप्शन से मैच करना है कि कौन सी डिस्क्रिप्शन किस ट्री की है। हम रीड करते हैं डिस्क्रिप्शन। ए, लीव्स ऑफ दिस प्लांट आर यूज्ड एज प्लेट्स। प्लेट्स के लिए हम इस ट्री की लीव्स को यूज करते हैं। इनकी पत्तियों से प्लेटें बनाई जाती हैं। तो यह सबसे पहला है हमारा जो हमारी फ्रेश बनाना लीव्स होती हैं, हम उन्हें खाना खाने के लिए यूज कर लेते हैं कि हमें थर्मोकोल की प्लेट्स या और प्लेट्स यूज ना करनी पड़ी। तो हमारा सबसे फर्स्ट ए का आंसर है हमारा 1। हम यहाँ ए लिखेंगे बनाना ट्री। बनाना ट्री की जो लीव्स होती हैं वो प्लेट्स बनाने के लिए यूज होती हैं। हम इन बनाना लीव्स पर खाना रखकर खा सकते हैं क्योंकि यह बहुत बड़ी होती हैं और हमारा खाना इस पे आराम से रखा जा सकता है। हमने ए से मैच कर दिया है ट्री को। सेकेंड है हमारा बी, लॉर्ड बुद्धा अटेंड एनलाइटमेंट बिलो दिस ट्री। इस पेड़ के नीचे बैठकर लॉर्ड बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो हम देखते हैं कौन सा ट्री है। पीपल, पीपल ट्री के नीचे लॉर्ड बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हम यहाँ बी लिखेंगे। हमने बी लिखा है क्योंकि पीपल के नीचे ही लॉर्ड बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नंबर सी है हमारा, इट इज द लार्जेस्ट लिविंग ट्री इन यूएसए। यूएसए में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट लिविंग ट्री यूएसए में कौन सा है, हमें नाम बताना है। तो हम देखते हैं 5 नंबर है हमारा जेंट सिक्योय। यह यूएसए में का ट्री है, यूएसए में ज्यादा मिलता है और लार्जेस्ट लिविंग ट्री है। हम यहाँ सी लिख देंगे। हमने सी लिख दिया है, जेंट सिक्योय ट्री लार्जेस्ट लिविंग ट्री है। डी है, द लीव्स ऑफ दिस ट्री आर बिटर टू ईट। इस पेड़ की पत्तियां खाने में बहुत कड़वी होती हैं, बहुत बिटर होती हैं। हम सब जानते हैं नीम की जो पत्तियां होती हैं वो सबसे ज्यादा कड़वी होती है। तो हम डी को 7 नंबर से मैच कर देंगे। हमने डी लिख दिया है। ई है हमारा, दिस ट्री लुक्स लाइक ए ट्राइंगल। यह पेड़ ट्राइंगल की तरह दिखता है। तो पाइन ट्री जो हमारा है यह ट्राइंगल की तरह दिखता है। हम 8 नंबर से मैच कर देंगे ई को। हमने पाइन ट्री के आगे ई लिख दिया है। एफ है हमारा, ग्रीन लीव्स ऑफ दिस प्लांट आर एडेड व्हाइल मेकिंग टी। चाय बनाते समय इस पौधे की पत्तियों को, इस पौधे की हरी पत्तियों को चाय में मिलाया जाता है। इस पौधे की हरी पत्तियों को चाय बनाते समय चाय में मिलाया जाता है। तो यह हमारी तुलसी, तुलसी को हम चाय में बनाते समय डालते हैं। तो हम एफ को 2 नंबर से मैच कर देंगे। तुलसी को हमने एफ से मैच कर दिया है। अब है हमारा जी, दिस टॉल ट्री ग्रोज ऑन ए सी बीच। यह लंबा पेड़ सी बीच पर उगता है। हमें मालूम है सी बीच पे सबसे ज़्यादा कोकोनट होते हैं। तो हम कोकोनट है हमारा 6 नंबर पर, 6 नंबर से मैच कर देंगे कोकोनट ट्री को। कोकोनट ट्री के आगे हमने जी लिखा है। नेक्स्ट है हमारा एच, द वुड ऑफ दिस ट्री इज यूज टू मेक बैट्स।
इस पेड़ की लकड़ी को बैट बनाने के लिए, क्रिकेट बैट जो हम यूज़ करते हैं बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और हमारे पास एक 4 नंबर ट्री है, हम यहाँ मैच कर देंगे एच से। क्रिकेट बैट के लिए हम यूज़ करते हैं विलो ट्री को, तो हमने एच से मैच कर दिया है। अब हम करते हैं नेक्स्ट लेसन, एक बार हम दोबारा देखेंगे। ए है हमारा बनाना ट्री, बनाना ट्री की लीव्स को हम प्लेट्स में यूज करते हैं, प्लेट्स बनाने के लिए। लॉर्ड बुद्धा को एनलाइटमेंट पीपल के नीचे बैठकर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और उसके बाद है सी, इट इज़ द लार्जेस्ट लिविंग ट्री इन यूएसए, यूएसए में लार्जेस्ट लिविंग ट्री है हमारा जायंट सिकोया। डी है बिटर लीव्स नीम ट्री की होती है। ई है हमारा लुक्स लाइक ए ट्राइंगल पाइन ट्री। उसके बाद है एफ, ग्रीन लीव्स ऑफ दिस प्लांट एडेड वाइल मेकिंग टी तुलसी लीव्स एफ। टॉल ट्री ग्रोज ऑन सी बीच, सी बीच पे होते हैं कोकोनट ट्री। एच है हमारा वुड ऑफ दिस ट्री इज यूज टू मेक बैट्स विलो ट्री। अब हम देखते हैं पिक्चर हंट, नेम द ट्री अंडर विच ग्राम पंचायत्स आर हेल्ड इन सम इंडियन विलेजेस। इसका आंसर है हमारा, यह हमें बनियन ट्री दिख रहा है, हम यहाँ बनियन ट्री लिख देंगे। हमने बनियन ट्री लिख दिया है, अब करेंगे हम नेक्स्ट लेसन। अब हम स्टार्ट करेंगे लेसन 12, द सोलर फैमिली। द सन इज ए बिग स्टार, सन एक स्टार है। आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ द सन एंड द 8 प्लैनेट्स। हमारे जो सोलर सिस्टम है, हमारे सोलर सिस्टम में सन के साथ 8 और प्लैनेट्स भी हैं। प्लैनेट्स आर हेवनली बॉडीज मूविंग अराउंड द सन। प्लैनेट्स जो हैं हेवनली बॉडी हैं, बहुत भारी बॉडीज हैं जो सन के चारों ओर चक्कर लगा रही हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम एंड नेम देम। हमें यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमें उनके आंसर्स लिखने हैं कि यह कौन से प्लैनेट है। नंबर 1 है हमारा, इट इज़ द फार्देस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। सन से सबसे ज़्यादा फार्देस्ट प्लैनेट कौन सा है? नेपच्यून। नंबर 1 का आंसर है नेपच्यून। नंबर 2 है, इट इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। सन के सबसे नज़दीक प्लैनेट कौन सा है? मरकरी। हमें लिखना है मरकरी। थर्ड है हमारा, इट इज आल्सो नोन एज रेड प्लैनेट। रेड प्लैनेट के नाम से जो प्लैनेट जाना जाता है मार्स। इट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट, सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारा जुपिटर। नंबर 4 जुपिटर। नंबर 5 दिस प्लैनेट कंसिस्ट ऑफ रिंग्स। रिंग्स होती हैं हमारे सैटर्न की चारों तरफ। यहाँ देखिए सेकेंड रो में फर्स्ट नंबर पे हमारा ये सैटर्न प्लैनेट है, इसके चारों तरफ रिंग्स बने हुए हैं। 6 नंबर है, इट इज़ नोन एज ब्लू प्लैनेट। यह ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। इट सपोर्ट्स लाइफ, और यह जीवन को सपोर्ट करता है, यानी कि यहाँ पर लोग रह सकते हैं। 6 नंबर प्लैनेट है हमारा अर्थ। अर्थ पर अर्थ लाइफ को सपोर्ट करता है, हम यहाँ रह सकते हैं। नंबर 7 है, दिस प्लैनेट इज नेम्ड आफ्टर द ग्रीक गॉड ऑफ द स्काई। ग्रीक गॉड ऑफ स्काई के नाम से जाना जाने वाला जो प्लैनेट है वह है यूरेनस। हमने यूरेनस लिखा है। नंबर 8 है, इट इज ऑफन रेफर्ड टू एज द मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार के नाम से जो जाना जाता है वह है आपका मॉर्निंग स्टार, हमारा विनस। एक बार हम रिपीट कर लेंगे।
फार्देस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, सन से सबसे ज़्यादा दूर नेपच्यून, क्लोजेस्ट मरकरी, रेड प्लैनेट मार्स, लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर। प्लैनेट कंसिस्ट्स ऑफ रिंग्स, रिंग्स हैं जिसके चारों तरफ, सैटर्न, और लाइफ को सपोर्ट करता है अर्थ, ग्रीक गॉड ऑफ स्काई यूरेनस, और मॉर्निंग स्टार विनस। पिक्चर हंट है हमारा, विच प्लैनेट अपीयर्स व्हेन द नाइट इज ओवर, इसका आंसर है विनस। विनस जो है हमारा मॉर्निंग स्टार है, और जब नाइट ओवर हो जाती है तो मॉर्निंग में हमें विनस ही अपीयर होता है, हमें विनस ही दिखता है। हमारे दो लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू।